को ये मोमेंट है ये है ऐसे जाना है ऐसे जाना है एक टेक जो हमने कर दिया वैसा मतलब उनके चेहरे पे पता चलता है कि वन मोर ठीक है और मतलब गंदा हो गया तो एक ऐसी एक, अल्लाह तो फिर समझना है कि वन मोर और ज्यादातर होता था इसके इसके नसीर के और सबके सीन में हमारे सीन में नहीं कभी होता था अनिस इट वॉज सो नाइस इट वॉज सो नाइस वर्किंग विथ यू इट वॉज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस और एक जो रॉ क्वालिटी है अनिस की अभी भी वो बन चुका नहीं है वहां नहीं पहुंचा वो वैसा का वैसा ही है और ऐसा ही रहे वैसा ही चाहिए मुझे तो थैंक यू और ये जो यहाँ बैठे हैं हमारे बुजुर्ग आप इनके गाने देखिए सभी गाने जो उन्होंने जो किए हैं तो उनको जो बरसों से कर रहे हैं भाई तो इतने बेहतरीन गाने हमें एक अच्छा लगता है हम जैसे हम अनिल और मैं डांस डायरेक्टर को हम कहा करते थे कि भाई एक शॉट जो है आपको ये मोमेंट है ये है ऐसे जाना है ऐसे जाना है एक टेक जो हमने कर दिया वैसा दूसरा नहीं होगा हमसे तो कैमरे तीन चार लगा दो फिर तुमको कट मिलेंगे क्योंकि हमें ही मालूम नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं तो ये फिल्म जब रिलीज होगी तब तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया है सो ये बंदे हैं इन्होंने बेहतरीन गाने दिए हैं और बहुत आतुर है उत्सुक है एक बंदा जो कुछ कहना चाहता है

And the other stars, Nasir Bhai is there, Pareji is there, Shruti, Dimple, everybody, and all our team members, uh, writers, our cameramen. So I would like to express a word of thanks to everybody, please. And uh, at this moment, I would also like to express a thanks to Eros for taking charge of this movie and uh, giving us a great opportunity to showcase this movie to the entire world.

सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जो नाना जी बार बार बोल रहे थे कि ये हमने सब प्लान किया है लिख के आए हैं मेरा यकीन जानिए ऐसा कुछ नहीं है और मुझे बहुत ही खुशी हुई जब नाना जी ने जिस तरह फिल्म के एक्सपीरियंस को लेकर बातें की है वो उन्होंने दिल से की और इसीलिए हम लोगों के दिल तक पहुँची है ये जो फ़िल्म है ये बहुत जल्द रिलीज़ होगी चार सेप्टेम्बर को और इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है एक ट्रेलर जो है आप लोगों ने देखा मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बाकी जो है ये जब फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगी थैंक यू थैंक यू सो मच सर आई नो आप लोगों के भी जहन में बहुत सारे सवाल होंगे तो अभी यू पीपल कैन शूट जी शुरुआत करेंगे जी वेलकम बैक की पूरी टीम को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेन दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बॉलीवुड नजर यहाँ पे यहाँ पे एकदम यहाँ पे जी Uh, मेरा सवाल है जॉन अब्राहम से जॉन सर शूट आउट ऑर्डर वडाला के बाद आप फिर से यू नो भाई के अवतार में आए हैं और इस बार भी आपके सामने अनिल कपूर होते हैं इस बार थोड़ा फनी में, में भाई बन रहे हैं तो इस केमिस्ट्री के बारे में आपको क्या कहना है और अपने रोल के प्रेपरेशन के बारे में आपको क्या कहना है जी आई थिंक एज एज फार द रोल इज कंसर्न ये एक uh, भाई का रोल है जैसे आपने कहा इट्स अ कॉमेडी फिल्म और uh, इस रोल में जितना भी कुछ मैंने किया इट्स थैंक्स टू मिस्टर अनिल सर के साथ जो मेरा केमिस्ट्री है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वी वर्क टुगेदर इन शूट आउट एट वडाला और नाना सर के साथ टैक्सी नौ दो ग्यारह में परेश सर के साथ गरम मसाला और एक आधा और फिल्म में सो द केमिस्ट्री इज़ रियली स्पेशल और इन सबसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है एंड क्रेडिट तो सिर्फ अनीस भाई को देना चाहता हूँ बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने मुझे इसमें गाइड किया आई थिंक इज रियली रियली स्पेशल Uh, फिरोज जी मेरा आपसे सवाल है ऐसा खबरें आई हैं कि जो मूवी है भले हमने ट्रेलर में देखा सितंबर सप्टेबर फोर को रिलीज हो रही है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आप शायद पोस्टपोन करने वाले सितंबर ग्यारह को जस्ट टू अवॉइड क्लैश विथ हीरो में वी आर कमिंग ऑन द फोर्थ ऑफ सेबर से मूवीज रिलीज डेट इज कन्फर्मली ऑन 4th से थैंक यू